हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीरू पहाड़ी यू की 09 में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय हेलो। तो चलो पहले करते हैं चैनल को ग्रो, फिर करते हैं बातें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का टाइटल और थंबनेल देखिए तो आपको पता लग गया ही होगा कि आज के ब्लॉग में हमारा ब्लॉग क्या रहने वाला है। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं केडी भाई के साथ। केडी भाई जो कि हमारे सैफ आदमी हैं, यही बनाएंगे हमारे लिए चिकन या चिकन रेसिपी। तो आज बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे हम रूम पे अपना चिकन चुकन बनाते हैं। इसी रेसिपी को देख के आप अपने घर पे चिकन बना सकते हैं, टेस्टी लजीज चिकन। अभी हमारे यहाँ पे प्याज टमाटर 1.5 किलो चिकन है, ये यहाँ पे टमाटर, ये प्याज, और यहाँ कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, उसमें है तेल। तेल ज़्यादा नहीं लेना, हल्का फुल्का, क्योंकि हमारे केडी भाई साहब वो ज़्यादा तेल नहीं खाते। और ये है पूरा 1.5 किलो चिकन, इसमें पूरा 1.5 किलो हम बनाएंगे नहीं, पूरा यहाँ अभी हम फ्राई चिकन निकालेंगे। चिकन कभी भी बनाए तो छोटे छोटे पीस रखना ताकि उसमें अच्छा सा घुल मिल जाता है मसाला। अभी तो बातें बातें तो होती रहेंगी, पहले दिखाते हैं आपको चिकन कैसे बनाया जाता है या कैसे बनता है हमारे रूम पे। खैर अपने रूम पे भी आप ऐसे बना सकते हो, तो मैं बता रहा हूँ टेस्ट तो उतना ही आएगा मगर हाथों में भी टेस्ट होता है। तो फिलहाल देखिए चिकन कैसे बनाया जाता है। अरे हमारे भाई साहब केडी भाई ने डाल दिया है प्याज, जो कि इसे अब करछी से इधर उधर कर रहे हैं, अभी गर्म हुआ है। तो ये लगभग थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे करते रहेंगे ताकि इसमें जो आपका प्याज है वो जले ना और वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। उसके बाद उसमें डालिए टमाटर जो कि हमने वहाँ काट के रखे हुए है। अरे ये देखिए क्या स्वाद, आय हाय हाय, अभी से स्वाद झलक रहा है, दिखते ही झलक रहा है स्वाद, तो टेस्ट करने में कैसा लगेगा। और ये है अभी प्याज। और हमारे भाई साहब केडी भाई बोल रहे हैं कि ये जो चिकन पीस है ये होने चाहिए छोटे छोटे, ये थोड़ा बड़े है। खैर लेग पीस तो बड़ा ही होता है, वो भी छोटा कर दिया, लेग पीस छोटा किया है और सब बड़े, ये थोड़ा दिक्कत है। तो कोई भी हो पीस को रखिए एकदम छोटे, एकदम भी नहीं, हल्के मीडियम साइज़ के, पर ज़्यादा बड़े भी सही नहीं होते चिकन में, सिर्फ लेग आप थोड़ा बड़ा रख सकते हैं ताकि उसमें, क्योंकि लेग तो लेग ही होता है, उसमें टेस्ट ही अलग आता है। और अभी भाई साहब कर रहे हैं हमारा वहाँ पे पूरे चिकन को काट काट के छोटे छोटे पीस, क्योंकि वैसे में मसाला भी घुस जाता है अच्छे से और अच्छे से चिकन पक भी जाता है। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके हाथों में भी क्या, चिकन में भी स्वाद ही स्वाद रहेगा। हाँ पानी आ रहा है पहले मुंह। और अभी प्याज हो चुका है ब्राउन और अभी डालेंगे हम उसमें टमाटर। ग्रेवी बोला जाता है इसे, भाई बता रहे हैं ग्रेवी है ये, तो इस तरह से आपकी ये जो चिकन ग्रेवी है ये ऐसे दिखाई देगी कुछ। अभी इसमें सिर्फ प्याज और टमाटर पड़ा है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे कितना स्वाद आने वाला है, क्योंकि इसी में ऐसा मन कर रहा है बस ऐसे ही खा जाऊँ बस मैं। पर फिलहाल
फिलहाल तो ऐसे खा नहीं सकता क्योंकि अभी चिकन भी बनाना है इसमें भाई, और अभी प्याज टमाटर तो पड़ चुका है, और अब डालेंगे इसमें ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये हमारे भाई साहब ने डाल दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना चाहिए ना टमाटर के साथ, पक्के अच्छा सुखा रहा था। ये टमाटर और प्याज जैसे आप थोड़ा सा भून लो, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट या जिंजर गार्लिक ये तो पेस्ट है, अगर आपके घर में अदरक है, जैसे हर किसी के घर में रहता है, कभी कभी नहीं रहता खैर, पर वैसे हर किसी के घर में मिल ही जाता है अदरक और लहसुन, भी इसी प्रकार बनाया जाता है। थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि मार्केट की चीज़ मार्केट की रहती है, घर की रहती है। तो पहले आप गिलास लीजिए, उसमें अदरक डालिए, लहसुन डालिए, उसको कूटिए खूब अच्छे से, और उसके बाद चिकन या इस ग्रेवी में प्याज और टमाटर डालने के बाद उसे मिला सकते, स्वाद वैसे ही रहेगा एकदम बढ़िया। इसे आप थोड़ी देर के लिए ऐसे भूनते रहेंगे तो अच्छा सा मेल मिलाप तो बैठ ही जाएगा, प्याज टमाटर और गार्लिक जिंजर पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट का इसमें। उसके बाद हल्का सा पानी डाल के इस ग्रेवी को, ताकि ये नीचे ना लगे। हाँ, क्योंकि मैं तो बना नहीं रहा हूँ, भाई बना रहे तो वो बता रहे हैं कि पानी इससे इसमें इसलिए डालना है कि ताकि ये जो पेस्ट है आपका बन रहा है, ग्रेवी तैयार हो रही है, ये नीचे ना लगे, ये जले ना, उस पर अगर जल गया तो उस पर जलने की खुशबू तो नहीं बोल सकते, बदबू ही आती है जलने की। ये इसमें हल्का सा नमक, उसमें उसके बाद इसमें डालिए हल्का सा नमक, ताकि प्याज टमाटर जो है, टमाटर रहता है वो थोड़ा पिघल जाता है, गल जाता है, तो उससे पिघल ही जाता है, वो बढ़िया रह जाता है। अब थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही पकने देंगे, उसके बाद एक मिनट के बाद या दो मिनट के बाद, इसमें एक नहीं डेढ़ मिनट के बाद, एक मिनट 30 सेकंड के बाद इसमें मसाला डालिए। लगभग 1.5 किलो चिकन है तो आप अपने चिकन के हिसाब से उसमें मसाला डाल सकते हैं, हमारा 1.5 किलो चिकन है तो हम इतना ही मसाला डाल रहे हैं। उसके बाद मसाले के साथ ही मिला दीजिए पानी को, ताकि स्वाद बना रहे चिकन का भी, मसाले का भी, और प्याज टमाटर गार्लिक जिंजर अदरक जो भी लहसुन सब कुछ डाला है, सबका स्वाद बना रहे, क्योंकि अगर मसाले को उसमें घोल देंगे तो ज़्यादा स्वाद मसाले का रहेगा, तो मसाले का भी स्वाद उतना ही रहेगा, प्याज टमाटर का स्वाद भी उतना ही। और अब देखिए ग्रेवी, देखिए ये है अब तक की बनाई गई ग्रेवी, अभी इसमें चिकन नहीं पड़ा, और इसमें हल्का सा पानी डालिए, क्योंकि केडी भाई ने पहले बताया था कि वो नीचे लग जाता है, और नीचे लगने के बाद वो हल्का सा जलेगा तो उसमें जलने की बदबू आएगी, और वो आपके चिकन के टेस्ट को एकदम बेकार भी नहीं बोल सकते, पर थोड़ा सा उसमें कमजोरी ला सकता है, जो चिकन का टेस्ट रहता है, चिकन को पोलियो हो सकता है, पोलियो हो सकता है खैर चिकन को, फिर टेस्ट में वैसे तो नहीं होता। पर अभी देखिए ये हो चुकी है हमारी ग्रेवी तैयार, और हल्का सा इसमें भाप टाइप का भी उठने बैठ गया, जो कि आपके वीडियो में दिख रहा होगा, क्योंकि अब मेरी वीडियोस बिल्कुल हल्की सी थोड़ा धुंधली हो गई, क्योंकि इसमें हो रहा है, इसमें आ रहा है भाप मसाला, जो चिकन का, जो चिकन मसाला होता है, चिकन का टेस्ट लाता है। तो अभी तैयार हो रही है, अभी 5 मिनट हमें वेट करना होगा, क्योंकि 5 मिनट बाद इसमें हम डालेंगे चिकन। अभी ग्रेवी हो रही है तैयार, क्योंकि पानी डाला था, तो 5 मिनट बाद इसमें डालेंगे चिकन। तो फिलहाल के लिए 5 मिनट के लिए आप ऐसे रख सकते हैं, 5 मिनट ऐसे रखेंगे तो उसमें जो कच्चापन होता है, जो मतलब पानी डाला है अभी, तो पानी मसाला प्याज टमाटर जो भी है सब चीज़ का जो मिश्रण रहता है वो कच्चा सा हो जाता है अगर इसको थोड़ी देर पकाएंगे नहीं तो। अब थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको चिकन, और लास्ट में ये भी बताना कि चिकन कैसा बना। 5 minutes later और हो चुके हैं अभी 5 मिनट, तो अभी डालेंगे हम चिकन। तो चिकन डाल, ये हमारे भाई साहब तैयार हो चुके हैं चिकन डालने के लिए, मैं अगर रुक जाओ थोड़ा सा वीडियो बना दो मेरे को, तो पहले डाल देते हैं चिकन, आपको दिखाता हूँ मैं। ये डाल दिया है पूरा चिकन, इसमें पूरा चिकन डाल दिया है, अब थोड़ी देर इसको हल्का सा
और उसके बाद इसको पूरा मिला दीजिए। अब जब आप पूरा इसे मिला देंगे उसके बाद कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा आपका चिकन बढ़िया सा। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे रहने दें, लगभग 5-10 या 20 आधा मिनट तक 30 सेकंड तक इसे ऐसे रहने दें। उनका जो कलर है वो इस तरह से दिखेगा आपको। अभी तक इसे हमने रखा है 1 मिनट तक वैसे रखा था, और उसके बाद हल्का सा पानी डाल के इसमें हमने ये पूरा चिकन ऐसा कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमने निकालना है फ्राई चिकन। तो पहले इसमें से थोड़ी देर के लिए लगभग 2 मिनट तक आप ऐसे रखिए, उसके बाद फ्राई चिकन निकाल के फिर आगे बताएंगे आपको क्या क्या सीन है। फिर फिलहाल के लिए 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट के बाद देखेंगे चिकन का कलर कैसे आता है। और 2 मिनट के बाद अभी आपको चिकन दिखाता हूँ कैसा हो गया, क्योंकि फ्राई चिकन निकालना है अभी फ़िलहाल के लिए। तो फिलहाल के देखिए चिकन का कलर कैसा हो गया। अभी फ्राई के कुछ पीस निकालेंगे केडी हाई, क्योंकि फ्राई चिकन है इसलिए इसमें अभी तरी हमने ज़्यादा की नहीं है, जिसे बोलते हैं पानी अभी उसमें डाला नहीं है। तो हल्का सा अभी पीस पूस निकालेंगे जो फ्राई होता है। निकाल दिया है हमने फ्राई चिकन, जो कि आप देख सकते हैं कैसा कलर आया है इसका। ये है फ्राई चिकन। फ्राई चिकन तो आपने देख लिया है फ्राई, उसमें पीस निकालने के बाद उसमें केडी ने डाल दिया है पानी। देख सकते हैं आप 1.5 किलो चिकन है, तो अब इसमें हो गया है, अब इसमें पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसका कलर है देखिए एकदम रेड रेड सा हो गया, जो कि चिकन का कलर ही आता है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी रखी, 1.5 किलो चिकन था तो उसने हमने निकाल दिया। और ये है जो ये इसका कलर कुछ ऐसा आ गया। हल्का सा इसको मिक्स कर दीजिए, उसके बाद कितने मिनट तक ये पकेगा? 10 मिनट। ये है लजीज फ्राई चिकन। वाओ मज़ा आ गया। अभी हो चुकी है पूरे 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद अब बन चुका है हमारा चिकन। अब दिखाता हूँ आपको चिकन कैसा बना है। एक बार इसका कलर देखिए, ये है। तो ये बन चुका है आपका पूरा चिकन। और आज का जो व्लॉग है वो चिकन पे ही मेरा फोकस था उसमें, कि हाँ आज मैं आपको चिकन रेसिपी के बारे में बताऊँगा। वैसे तो सबको पता होगा, बट जिसको पता नहीं होगा उसको बता रहा हूँ मैं, या वो सीख सकता है अपने घर में बैठे हुए कि हाँ ऐसे चिकन बनाना, जिसको नहीं आता। क्योंकि बाहर भी लड़के रहते हैं, उनको बनाना नहीं आता, किसी को आता है। पर ये है आज का व्लॉग, क्योंकि कई दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है, लगभग 8-9-10 दिन हो गए। क्योंकि मैंने खुद की वीडियो देखी थी तो वो 8 दिन पहले मैंने अपलोड की थी, तो 8 दिन हो चुके हैं पूरी वीडियो को, कि अब तक 8 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आई, क्योंकि टाइम का इशू है, इधर इधर टाइम मिलता नहीं है वीडियो बनाने का। इसलिए आज शाम को ही मैंने वीडियो स्टार्ट की और चिकन रेसिपी का आपके लिए ब्लॉग लेके आया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और देखते रहिए नीरू पहाड़ी UK09, और सब्सक्राइब कीजिए UK09, क्योंकि नाम मैंने चेंज कर दिया। पहले नीरू पहाड़ी था, तो अब मैंने नीरू पहाड़ी UK09 कर दिया, क्योंकि UK09 है वो है टेरी गढ़वाल का। तो जो मुझे टेरी गढ़वाल से देख रहे होंगे या देख रहे हैं मेरे भाई बहनों, जो भी है मेरे दोस्तों यारों, वो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए नीरू पहाड़ी UK09। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।